अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाल किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टर्किश अदना कबाब की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ और काफ़ी टेस्टी से ये कबाब बनेंगे, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया है 1/2 kg मटन का कीमा। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। और ये जो मैंने कीमा लिया है, इसे मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया था। अदना कबाब का जो कीमा होता है ना, उसे बहुत बारीक नहीं किया जाता, चॉपर में या फिर ग्राइंडर में पीसा नहीं जाता बिल्कुल बारीक सा, उसे थोड़ा मोटा मोटा रखा जाता है। तो इसीलिए मैंने इसे 2 बार मशीन से निकलवा लिया था। देखिए इस तरह से है ये, थोड़ा मोटा मोटा सा, तो बस इसी तरह से रखना है। और साथ ही में मैंने ये 50 ग्राम फैट लिया है। अदना कबाब में फैट होता है, अगर आप इसमें फैट ऐड नहीं करेंगे तो ये जूसी और टेस्टी नहीं बनेंगे। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप अदना कबाब बनाएं तो उसमें फैट अलग से डलवा लें। तो 1/2 kg में मैंने 50 ग्राम फैट लिया है ये, इसे हम बाद में कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैं आपको कुछ मसाले दिखा देती हूँ, इन्हें हमें बारीक चॉप करना है। तो ये मैंने लिया है हरा धनिया, ये अगर आप बारीक चॉप करेंगे तो ये करीब 2 से 3 टेबल स्पून है। और 6 कलियां लहसुन की ली हैं, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले ली है और 1 हरी मिर्च ली है। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने ग्रीन चिली ली है ये स्पाइसी है। और 1 मैंने रेड चिली ली है, ये इस तरह की मोटी वाली, ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन इस बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अदना कबाब में ये ज़रूर डाली जाती है। अगर आपको इस तरह की चिली नहीं मिलती है तो आप जो है ना रेड कैप्सिकम ले लें, और अगर रेड कैप्सिकम भी नहीं आपको मिलती है तो आप ग्रीन कैप्सिकम ले लें, लेकिन इसमें ये चिली ज़रूर ऐड करें, इससे अलग ही इसका जो है ना फ्लेवर आता है कबाब का। तो चलिए, ये जितने भी मैंने मसाले लिए हैं इसे मैं पहले बारीक चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए, जो हरा मसाला था उसे मैंने चॉप कर लिया है और अब इसे हम ऐड कर देंगे कीमे में। लेकिन ऐड करने से पहले जो ये मसाला हमने चॉप किया ना, इसमें पानी है तो उसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से पानी को हम निकाल देते हैं। जब ये जो अपना कबाब है ना बनाए, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही मसाले में ना ही कीमे में। तो इस तरह से हम इसका पानी निकाल देते हैं और जितना भी ये मसाला हमने चॉप किया है इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने चॉप मसाला था इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ही मिक्स करना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। तो ये देखिए, सब मसाले मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लेंगे। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई स्पाइसेस ऐड नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें काफ़ी कम मसाले यूज़ होते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो चिली पाउडर भी ऐड कर लें। और साथ ही में नमक ऐड कर देंगे, नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये ही मसाले इसमें यूज़ होंगे, इसी से ये बहुत ही टेस्टी से अदना कबाब बन के तैयार होंगे। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर जो है ना। तो ये देखिए, कीमे में मैंने सब मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले सीखे दिखा देती हूँ। जो अदना कबाब बनाए जाते हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े से होते हैं, तो वो सीखे तो मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए ये जो वुडन सीख होती है ना, मैं इस पर इसे बना रही हूँ। इस पर भी बहुत अच्छे से ये कबाब बनेंगे। तो इसे किस तरह से बनाना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो कीमा है ना, इसका एक पोर्शन ले लेंगे, जितना बड़ा कबाब बनाना उस हिसाब से आप पोर्शन ले लें। ये देखिए, और हाथ से अच्छे से दबाएं। और आप ये देखिए, कीमा जो मैंने रेडी किया है ना, ये कीमा मसाला, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब भी आप कीमा बनाए ना इसका कबाबों का, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसे हम दबा देंगे और एक शेप दे देंगे, और जो हमने सेक ली थी उसे इसमें इस तरह से कर देंगे। और जितना भी कीमा है ना, इसे पहले इस पर अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे, देखिए इस तरह से, उसके बाद इसे हम शेप देंगे। और ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं, काफ़ी टेस्टी भी होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। बकरीद का टाइम है, बस इस टाइम पे ये नई नई तरह की चीज़ें ट्राई करें। मैं आपको अपने चैनल में बहुत तरह की चीज़ें बता रही हूँ मटन से बनने वाली, तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए, कीमे को मैंने पूरी सीख पर अच्छे से लगा लिया है, अब इसे हम शेप दे देंगे। तो हाथ में हल्का सा पानी लगा लें और इसे हम इस तरह से शेप देंगे, देखिए ऐसे करके, ये इसी तरह से शेप दिया जाता है इसे, इसी तरह से ये चौड़े चौड़े से कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आप देख रहे हैं, वुडिंग ये सीख है, लेकिन इस पर बहुत ही अच्छे से ये कबाब बन के तैयार होंगे, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा इस पर कीमा नहीं लगाएं, पतले पतले से रहना चाहिए ये,
तो जल्दी से और आसानी से पक जाएंगे। तो ये बस बनके तैयार है, आप देखें कैसा लग रहा है। इसी तरह से मैं सब जो कबाब है ना उसे रेडी कर लेती हूँ। कबाब तो बना के मैंने रेडी कर लिए हैं, तो अब इसे हम कुक कर लेते हैं। तो ये मैंने तवा ले लिया, तवे में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, करीब 2 टीस्पून तक ही इसमें मैंने ऐड किया है। और ऑयल को जो है ना तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर दें इस तरह से। तो ये देखिए ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम कबाब को ऐड कर देंगे इस तरह से, देखिए। और फ्लेम को जो है ना स्लो ही रखें, एक बार तवा गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को जो है ना स्लो कर दें, क्योंकि धीरे धीरे से हमें कबाब को कुक करना है जिससे अच्छे से ये अंदर तक पक जाए। ये देखिए तो ये देखिए कबाब को जो है ना मैंने 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक किया जिससे ये अंदर तक अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, करीब लो मीडियम पे कर दिया था जिससे इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए कितने बेहतरीन से कबाब बने, इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा सा आया है और काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही। तो आप इसकी साइड को चेंज कर देंगे और साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम पका लेंगे। तो ये देखिए कितने बेहतरीन से कबाब बने हैं और कितनी आसानी से बन गए, बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे बनाएं। तो ये देखिए कबाब को मैंने दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सेक लिया है और उस पर बहुत ही बेहतरीन सा कलर भी आ गया है और ये अच्छे से पक चुके हैं। आप देखें कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी बनाएं, बहुत ही आसानी से और काफ़ी कम इन्ग्रीडियंट के साथ ये कबाब तैयार होते हैं। और साथ ही में इसके साथ सर्व की जाती है सैलेड, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए बाकी की कबाब भी इसी तरह से मैं सेक लेती हूँ। कबाब तो मैंने रेडी कर लिए हैं, तो इसकी जो सैलेड है वो भी रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है एक प्याज, इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया। एक छोटे साइज का टमाटर लिया था, इसे भी काट लिया लेकिन इसके सीड्स को निकाल दिया। और थोड़ा सा हरा धनिया, तो इन सब चीज़ों को जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे मैं सुमैक, अगर आपके पास नहीं है ये तो इसकी जगह पर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, हाफ लेमन का जूस, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये बढ़िया सी कबाब के साथ की सैलेड तो बनकर तैयार हो गई है। और अब जो कबाब है उसे किस तरह से सर्व करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कबाब तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से खुशबूदार और जूसी अदरक कबाब बनके तैयार हैं। तो आप लोग जल्दी से इसे अपने किचन में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। एक कबाब को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी और सॉफ्ट सा बना है। तो ये देखिए मैंने इसे सीख से निकाल लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना जूसी सा है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये अदरक कबाब। तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही में मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंजॉय करें। अदरक कबाब विश शिवाज किचन, थैंक यू।